नरेंद्र मोदी एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि पुराने ढर्रे की राजनीति से न पार्टी का भला होने वाला है न देश के लोगों का। ऐसे में उनके दिमाग में संगठन से लेकर सरकार में टॉप टू बॉटम बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार था, जो उन्होंने संघ की शाखाओं से लेकर बीजेपी संगठन तक में, गुजरात में सरकार चलाने से लेकर प्रधानमंत्री पद पर बैठने की प्रक्रिया तक में अनुभवों से तैयार किया था। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने खासम खास अमित शाह को बैठाया, जिससे पार्टी को पूरे देश में मजबूत किया जा सके। दूसरी ओर अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए मोदी लोगों के दिल में जगह बनाने लगे। वो बड़ी चतुराई से लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने में कामयाब रहे कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चौकीदार हैं, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ गरीबों के सपनों को जीते हैं और उन्हें पूरा करने में खुद को खपाते रहते हैं। सरकार में नरेंद्र मोदी और पार्टी में अमित शाह, इन दो सूरज की परिक्रमा बीजेपी के राजनीतिक भूमंडल के सभी ग्रह करने लगे। बड़े फैसलों के लिए इन्हीं दोनों चेहरों की ओर देखा जाने लगा। धीरे धीरे कांग्रेस के प्रतीकों को भी झटकने का काम शुरू हो गया। बीजेपी सिंगल पॉइंट एजेंडे पर आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस मुक्त भारत। कहीं अपने दम पर तो कहीं गठबंधन कर कमल खिलाने का काम पूरी शिद्दत से जारी रहा। पार्टी ने उन क्षेत्रों की ओर गंभीरता से देखना शुरू किया जो बीजेपी का पारंपरिक गढ़ नहीं माने जाते थे। संघ के स्वयंसेवक उन क्षेत्रों में दशकों से लोगों की जिंदगी में बदलाव के लिए काम कर रहे थे। ये नई सोच का ही कमाल था कि उत्तर पूर्व के राज्यों में भी कमल खिलने लगा। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 10 साल के भीतर ही बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस को किनारे लगाकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ओडिशा में नवीन पटनायक और तमिलनाडु में एमके स्टालिन जैसे नेताओं के तिलिस्म को नहीं तोड़ पाई है। इस दल के पास विचारधारा है, इस दल के पास एक क्रेडिबल प्रोग्राम है। दीनदयाल जी कहते थे कि सिर्फ राजनीतिक दल बनने से नहीं होता है, आपके पास एक राजनीतिक प्रोग्राम, एक क्रेडिबल पॉलिटिकल प्रोग्राम होना जरूरी है। ये आज हमारे दल भाजपा के पास है और इस प्रोग्राम को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड, इसका भी आपका एक पद्धति होना चाहिए और ये भाजपा के पास है, किसी दूसरे दल के पास आज ये नहीं है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ अटैक इज बेस्ट डिफेंस की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए ज्यादा दिनों तक वोट हासिल नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी। घर बनाने में कर्ज पर सरकार की ओर से सब्सिडी, बीमार होने पर इलाज के लिए सस्ते में बीमा का इंतजाम, बुढ़ापे में पेंशन देने के लिए अटल पेंशन योजना, बच्चियों के बड़े होने पर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना, गरीबों तक पहुंचने वाली सरकारी मदद से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत बैंकों में खाते खुलवाए, जिससे सरकारी मदद सीधे खाते में ट्रांसफर होने लगी, गरीब महिलाओं को खाना बनाते समय धुआं और घुटन से आजादी दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई, इसके जरिए गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया, यूपी में कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों को कैश मदद से लेकर गरीबों के राशन पानी तक का इंतजाम किया गया। 129 योजनाओं के साथ देश का गरीब, देश का किसान, देश का आदिवासी, देश का दलित, देश का युवा, देश की महिला, देश का गांव और देश के शहर के विकास के लिए 129 योजनाएं लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। बीजेपी ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें बीजेपी सरकार बनने पर ज्यादातर लोगों को अपने लिए कुछ न कुछ सीधा फायदा दिख रहा था। ये बीजेपी की ऐसी राजनीति है जिसमें प्रचंड राष्ट्रवाद, मुखर हिंदुत्व और लोगों की जेब से जुड़ने का रास्ता है। 2014 के बाद सिर्फ बीजेपी का ही तूफानी रफ्तार से विकास नहीं हुआ, संघ की शाखाओं का भी गजब विस्तार हुआ। ये एक वैचारिक दृष्टि से परिवार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है पर इंटरडिपेंडेंट है। मोदी के दौर में बीजेपी और संघ के बीच केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर चल रही है, दोनों को एक दूसरे से ताकत मिल रही है। नए दौर की बीजेपी में संघ अपना विस्तार और समाज में खड़ी जात पात की दीवारों को धीरे धीरे ध्वस्त होता देख रहा है।
साल 2014 के बाद से बीजेपी अपने चाल चरित्र और चेहरे के जरिए लोगों को ये संदेश देने में कामयाब रही कि उसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि सत्ता का मकसद है लोगों की जिंदगी में बदलाव करना और लोगों को खुशहाल बनाना। बीजेपी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के जरिए बीजेपी लोगों को ये संदेश देने में भी कामयाब रही कि वो पुराने वायदों को भूली नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनावी अखाड़े में 80-20 की बात करती है, विकास की बात करती है और देश के गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों को भी चुनावी अखाड़े में डोर टू डोर पर्चा बांटने के काम में उतार देती है। इतना ही नहीं, बीजेपी चुनाव जीतने के बाद मंत्रियों को शुचिता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने में भी देरी नहीं करती।